हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? होप सो सब अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे ही हैं। और समर्थ जो है नहा लिया, सुबह के बज चुके हैं 10:30। समर्थ नहा धो के हाथ में बंदूक लेके आ चुके हैं गली में। अब आप कहोगे कि ठंड में इसको कपड़े क्यों नहीं पहना रखे। एक्चुअली धूप भी अच्छी थी और इसके चाचू बोले कि भाई समर्थ की आज मैं मालिश कर देता हूँ। बोला भी था मैंने कि नहा चुका है तो कल कर लेंगे, बट उसका मर्द का भी मन था कि मैं मालिश करवाऊंगा मालिश करवाऊंगा। तो उसके चाचू बोले चलो कोई नहीं, मालिश करवा ले। तो चाचू ने इसकी मालिश करनी थी, इस वजह से ये ऐसे ही आ गया कि पजामा पहन के तो होगी नहीं, सिर्फ टांगों टांगों की करनी थी, मतलब नीचे लेग्स की ही मालिश करवानी थी, तो ये अंडरवियर डाल के ही बाहर आ गया था। हम लोग वेट कर रहे थे चेयर का। एक्चुअली हमारी जो चेयर है वो सामने शादी थी तो उनके घर चली गई थी, अभी तक आई नहीं है वहाँ से चेयर। तो हम लोग वही वेट कर रहे थे कि कोई बाहर आए तो हम लोग उनसे चेयर के लिए बोल दें। मेरे पास चार चेयर हैं और चारों सामने ही गई हुई थी, उनके यहाँ शादी थी तो उस टाइम पर वो लोग ले गए थे, बट अभी रिटर्न आई नहीं थी। तो हम वेट कर रहे थे कि कोई बाहर आएगा तो चेयर ले लेंगे। काफ़ी देर वेट किया बट कोई आया ही नहीं। आई थिंक कहीं गए हुए होंगे। इसके चाचू गए भी थे बैल बजाने के लिए। बैल बजा के 2-3 बार हम लोगों ने बैल बजाई पर कोई आया ही नहीं बाहर। इसको देखो, इसकी बंदूक ना 24 घंटे ऐसे तनी हुई रहती है। काफ़ी अच्छी है ये बंदूक, हम लोग ना दिल्ली से लेके आए थे। इसके अंदर वो भी है, क्या कहते हैं उसको, गोलियां गोलियाँ इस बंदूक की काफ़ी सारी। सारा दिन इसी से ढूंढ 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 करता रहता है। छह गोलियां आती है और रुको, तो गाइस इसमें छह की छह गोलियां आती है, तो इसमें छह गोलियां तो पूरी खूगी और बस तीन ही बची हैं। और मेरे पास एक डिब्बी भी है ना गोलियों की, तो वो यूज मैं कर सकता हूँ। इसलिए गाइस तो हम करते हैं वीडियो को एंड। एंड क्यों करनी है भाई, अभी तो तेरी मालिश होएगी, मालिश नहीं करवानी। करवानी तो है। ये समर्थ के चाचू ने उठा लिया है तेल, और ये डाबर लाल तेल लेके आई थी मैं स्पेशल इसकी मालिश के लिए। तो चाचू हो गए हैं स्टार्ट मालिश करने के लिए। अच्छे लगते हैं मुझे ये चाचू, बहुत अच्छे, चाचू अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। है? अगर मैं समर्थ की मालिश करने लग जाती ना तो इसने बिल्कुल नहीं करवानी थी, लेकिन अपने चाचू से ना बड़े आराम से मालिश करवाता है ना चाचू समर्थ, अच्छे से करते हैं, अच्छे से अच्छे करते हैं। अच्छा, ये आंटी आ गए थे एक्चुअली पड़ोस में से, तो समर्थ के साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे कि मैं घर में आ जाऊं, और ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था नालायक। फिर वो कह रहे अच्छा मैं जा रही हूँ, फिर मतलब ऐसे ही मजाक चलता रहा और वो आंटी आ गए घर पे। फिर वो डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली ये ना नर्सिंग स्टाफ में थे, अभी रिटायर हुए हैं, लास्ट मंथ ही रिटायर हुए हैं, तो लेट रखा था काफ़ी ज़्यादा, 10:30-11 के आसपास का टाइम हो रखा था। तो आंटी वही कह रहे थे कि भाई इस टाइम मालिश मत किया करो, बच्चे की मालिश ना सुबह के टाइम करनी चाहिए, मतलब 8 से 9 के बीच में जो धूप होती है ना उसमें बच्चे की मालिश करनी चाहिए, उसमें स्किन को जो विटामिन डी मिलना होता है वो भी मिल जाता है और स्किन काली भी नहीं पड़ती जो सुबह की धूप होती है और शाम की धूप होती है। वो यही कह रहे थे भाई इस टाइम पे मालिश मत किया करो, करनी होती है तो सुबह किया करो। पर वही है, हम लोगों को कोई प्लान नहीं था कि हमें मालिश करनी है, ये तो समर्थ जिद करने लग गया था तो हम लोगों ने मालिश कर दी। वैसे ही धूप में भी बैठे थे कि चलो थोड़ा सा मालिश हो जाएगी। सो काफ़ी देर तक हम लोग ऐसे ही बात करते रहे और समर्थ के चाचू ने समर्थ की मालिश कर दी। ये देखो कैसे उंगलियां मटका मटका के इसकी मालिश चल रही है, और कितना मतलब आराम से मालिश करवा रहा है ये, जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आंटी बस ऐसे ही बताने लग गए थे अपने बारे में, बच्चों के बारे में डिस्कस चल रहा था कि भाई आजकल एक एक बच्चे होते हैं तो कम निकलते हैं घर से, अदरवाइज़ हमारे टाइम पे तो क्या था, सारा दिन हम लोग बाहर खेलते थे। और ये रियलिटी भी है कि जब हम थे हमारी एज, जब हम इनकी एज में थे तो सारा दिन गली में खेल रहे होते थे, पता नहीं कितनी गेम्स होती थी, फ़ोन का, टीवी का, इन सब की तो इतना ज़्यादा था ही नहीं कि हम लोगों को टीवी भी देखना है या फिर फ़ोन चलाना है। फ़ोन तो असल में था ही नहीं उस टाइम पे इतने ज़्यादा, ये एंड्रॉयड वगैरह तो अब आए हैं तो बच्चों को बिना फ़ोन के इनका काम ही नहीं चलता। अदरवाइज़ यहाँ तो क्या होता था, सारा दिन हम लोग बाहर खेलते थे और मम्मी क्या करती थी शाम के टाइम पकड़ के लाती थी मारते हुए और घर में घुसाती थी कि चलो घर के अंदर। और आजकल उल्टा सिस्टम हो रखा है, बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते,
मैं बहुत फोर्स करती हूँ समर्थ को कि घर से बाहर जाओ, खेलो खेलो खेलो, बट समर्थ कभी खेलता ही नहीं है। आपके साथ खेलता हूँ मैं। फिर बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, लेकिन समर्थ बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ ही ज़्यादा अटैच है, तो सारा दिन मेरे साथ ही रहता है, बहुत कम खेलता है। अगर मैं बाहर हूँ घर से तो ठीक है, मैं घर के अंदर आ जाऊँगी तो समर्थ भी घर के अंदर आ जाएगा, खेलता नहीं यार बिल्कुल भी। खैर चलो, मालिश करने के बाद समर्थ के चाचू जाएंगे घर, तो हम उनको ऑटो में तक छोड़ कर के आएंगे, टोल टैक्स तक जाएंगे, वहाँ से उसके चाचू ऑटो लेके चले जाएंगे, तो चलते हैं उनको छोड़ने। समर्थ गया है ट्यूशन और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। टाइमिंग आपको दिख रही होगी, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, तो अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। आप लोग बताओ क्या कर रहे हो? ₹150 इधर बता क्या
काम करो तो ऐसा करो कि लोग आए। डेढ़ सौ तो वाई फाई कर लूंगा। डेढ़ सौ रुपया देगा? डेढ़ सौ तुम्हें काम कर लिया। काम करो तो ऐसा करो कि लोग आए। डेढ़ सौ रुपया देगा तो बर्तन धो दे मेरे जा। डेढ़ सौ रुपये दे दो। काम करो तो ऐसा करो लोग आए। तू रहने दो भाई मैं कर दूंगा। एक महीना बर्तन धो दे मेरे तो डेढ़ सौ रुपये। एक महीने में 1000 लेता हूँ। लेता है? किसके घर जाता है भाई? तू जान निकल यहाँ से। किसके घर जाता है क्या बर्तन धोने? कौन देता है तुझे 1000 रुपये बर्तन धोने में? मैं देती हूँ। आप दोगी? ठीक है दोगी पक्का। चल बर्तन धो दे। कल से क्यों भाई अभी से? मैं लूंगा महीने के लूंगा मैं 2000। देख लो गाइस ये ना पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब ये कह रहा है कि ये महीने के 2000 रुपए लेगा बर्तन धोने के। किसी को दिलवाने हो तो बुला लेना इसको। और साल के 2000 नहीं क्या उसे टाइम आए ना क्या देना। बर्तन धुलाने तो धुलाओ। 150 रुपया लेगा। 150 रुपया नहीं दो। सो गाइस कैसे हो आप लोग? मन नहीं लग रहा मेरा घर में बिल्कुल भी। अंकित जी आ जाओ। मम्मी 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 सब्सक्राइब करना करना। सो गाइज आज का व्लॉग बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।